हाँ जी, सारे का की हाल चाल है? होप तुसी सारे ठीक होवोंगे। तो जैसे कि आपको बोला था कि डालूंगी ऑडियो जल्दी, तो हाजिर हूँ नई ऑडियो लेके। और मसला भी बड़ा चल रहा है, ये वो जिम्मा भी उठाया है कि प्रीति को सपोर्ट करना है, लेकिन कुछ पॉइंट आज मैं प्रीति के भी आप लोगों को बताना चाहूँगी जो कि मुझे सही नहीं लगते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग जिस सिचुएशन में वो है वो सोच रही हो सही हो, और हम जो दूर से चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि उसके वहाँ क्या चल रहा है हमको नहीं पता, हमारे अकॉर्डिंग शायद वो चीज़ गलत हो, उस पर बात करेंगे। और बाकी आजकल बड़ा चल रहा है, लेटेस्ट बंदे ने क्या चाल चली है आपको बताती हूँ। सारे सोशल मीडिया पर देखो, ये एक तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बटोरने का, समझ रहे हो ना? थोड़ी सी आवाज़ सुना दी किसी की और सोशल मीडिया पे बवाल मच गया, लोग क्या कह रहे हैं, प्रीति की है, प्रीति की आवाज़ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और एक व्यूज़ के लिए इसने वो 20-25 बिचिस तो लगाई हुई हैं भौंकने के लिए, जो अपना काम करती हैं भौंकने का, क्योंकि इसके दिए हुए मसाले के अकॉर्डिंग भौंकती है और उस भौंकने से उनकी दाल रोटी चलती है ना। तो उस चीज़ की रियलिटी बताती हूँ आपको कि वो क्या है। वो इस बंदे ने आवाज़ आपको सुनाई है जानबूझ के, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि गलत फहमी से या गलती से तो कुछ भी नहीं होता व्लॉग्स में, क्योंकि व्लॉग्स जो होते हैं वो लाइव नहीं होते, एडिटेड होते हैं, एडिट करके बंदा डालता है। तो ये एक चाल चली गई, एक चलाकी खेली गई है, और ये किसी के लिए चलाकी खेली गई है, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए चलाकी खेली गई है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो कोई प्रीति नहीं है, है ना, इसको कमी हो गई है। अब आप समझ आओ किस चीज़ की कमी हो गई है। जो साल एक साल से मुंह काला करा रहा है ना, उस इमोशनल फिजिकल सपोर्ट की कमी हो गई है। ये वही है आप लोगों की आंटी, ये वही शादीशुदा भाभी है, इसको कॉल करके पूछ रही क्यों, क्योंकि ऐसे ही भाग भाग के जाता है, ऐसे ही भाग भाग के वो उधर ऐसे ही अपने हस्बैंड को धोखा दे के आती है, ये इधर घर वालों को धोखा दे के जाता है। अब तो धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, अब तो इसका ये मुंह काला करवाने में लोमड़ी, इसकी माँ, सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं इसको, और अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं लोगों को जो इनको देखते हैं उनको, कि ऐसा करो, इस गंदे और गलत कामों में ऐसे गंदे इंसान का साथ दो। लानत है भाई ऐसी परवरिश पर, लानत है ऐसी माँ और ऐसी बहन पर जो इस गंदे काम में अपने भाई का साथ दे रही हैं, है ना। तो कल को अगर इनके साथ ऐसा होता है, सपोर्ट करने वाली का हस्बैंड ऐसा करता है, तो उसको भी भाई फिर सभी सपोर्ट करना, क्योंकि पर क्या पता उसको कब कहाँ ऐसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, और क्या पता वो इमोशनल सपोर्ट उसको भी यहीं से मिल जाए, यहीं से। ये जो चैनल पर 20-25 भौंकती हैं ना, वो बहुत क्या उसको बोलते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट है इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। बोने भंकू को तो कब से इमोशनल सपोर्ट दे रही है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ तक आ गई थी, शिमले तक आई है इसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। तो भाई ये अब जानबूझ के, वो कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले एक कहावत बताई, लुच्चा सबसे उच्चा पंजाबी की कहावत, वैसे एक और कहावत मेरे मन में आ रही थी कि फिर क्या हुआ, बदनाम हुए नाम तो हुआ, मतलब कि बदनामी में भी इसको व्यूज आ रहे हैं, अपनी बदनामी से भी नाम कमा रहा है, समझ रहे हो। और अब ये इतना बेशरम, बेगैरत और बेइज्जत हो गया है ये, कि अब इसको कोई शर्म नहीं है, जानबूझ के उसकी आवाज़ सुनाता है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ एक ना एक दिन व्लॉग में भी उसको लेके आएगा, अगर वो हस्बैंड को छोड़ के इसके साथ मुंह काला करा रही है, ये अपनी सिचुएशन के बहाने बना के उसके साथ मुंह काला करवा रहे हैं, तो बेगैरत तो दोनों ही हैं, बेइज्जत तो दोनों ही हैं, है ना। तो एक दिन फिर दोनों आपको व्लॉग में भी नज़र आ जाएंगे, और क्या पता होटल में इमोशनल सपोर्ट की आड़ में जो होटलों में मिलते हैं वो होटल में भी आपको नज़र आ ही जाएं कि हाँ ये गाइस, ये मेरी इमोशनल सपोर्ट है, ये हमारा रूम है, ये हमारा बेड है, यहाँ पे हम एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं गाइस, जैसे कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता। तो मुझे लगा आज आपको ये भी दिखाना चाहिए, जो इतना बड़ा 1% मैंने छुपा के रखा हुआ था ना, वो ये है, मैं आज आपको वो भी दिखाता हूँ, फिर ऐसे व्लॉग्स आने लग जाएंगे, है ना। तो कितना झूठा और बदकार बंदा है ये, बदकार बंदा सच्ची। ऐसे बंदे को तो सुबह सुबह मत्थे नहीं लगना चाहिए, पता नहीं लोग इसके व्लॉग कैसे देखते हैं। तो क्या ज्ञान बांट रहा है आजकल, ज्ञान बांटा जा रहा है, कह रहा है हमने तो कभी किसी को गलत बोला ही नहीं। भाई वाह, 900 चूहा खा के बिल्ली कहाँ चली। वही हाल इसका है,
सारी नेगेटिविटी इधर उधर फैला के, भाई ये जो 20-25 कुत्तियां भौंकती हैं ये तेरी तो है, ये क्या करती है, नेगेटिविटी फैला रही है हर जगह, इन्होंने तो ये सारा काम शुरू किया, तेरी बदनामी, डीएनए टेस्ट, तेरी वाइफ की बदनामी, तुम्हारे रिश्ते की बदनामी, सब कुछ शुरू कहाँ से करवाया तूने, खुद करवाया, और ये तू बोल ही नहीं सकता कि तूने नहीं किया, तूने वो जो चैप्टर बनाए कुछ तूने हाइड कर लिए हैं, जो तू इतनी उसमें तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने तो करैक्टर असैसिनेट किया अपनी वाइफ का, खुद किया तूने, चैप्टर बना बना के किया, ये होता था वो होता था, पैसा तू उसका खा गया, सारी उसकी इकोनॉमी तूने यूज कर ली, घर का सामान बनवाया, गाड़ी ली, सब कुछ लेके खा पी के उसको, जब उसका अकाउंट खाली हो गया उसको लात मार के घर से निकाल दिया, यूज मिसयूज तूने किया, और अब इतना भला मानस और संत बन रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पैसा भी खा गया, बदनामी भी कराई जगह जगह, खुद भी चैप्टर बनाए, और सबसे बड़ा प्रूफ जो इसका आया सोशल मीडिया पे, वो तो इसकी वो रिकॉर्डिंग जो अतिया ने शेयर की सबके साथ, जहाँ पे भी ये भर भर के अपनी वाइफ के बारे में गलत बातें कर रहा है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार थे, ये था वो था, अब खुद का तेरा बाहर आया तो वो क्या, वो तो इमोशनल सपोर्ट है, खुद पता नहीं अभी एक भाभी सामने आई है, अभी तीन चार का तो मुझे ही पता है, तुम लोग ये बोलते थे ना कैसे ही नाम ले देते हो, भाई मैंने तो अभी तक उनका नाम ही नहीं लिया, जो दो तीन का मुझे पता है, मैंने उनका नाम, मुझे इसका भी नाम पता है लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, मैंने पहले भी बोला है वो बंदे सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन अगर एक दिन लेना पड़ा तो बता भी दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, एड्रेस बता दूंगी, नाम बता दूंगी, कहाँ के हैं सब कुछ बता दूंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जो दो तीन दूसरी भाभियाँ हैं ना, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेती है, क्योंकि बसे बसाए घर बर्बाद हो जाएंगे अगर मैंने उनका नाम ले दिया यहाँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरी ऑडियोज भी, बहुत लोग सुनते हैं और खास करके रिश्तेदार इनके सुनते हैं, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, श्योर श्योर एंड सर्टेन, हमारे यहाँ बोल देते हैं स्यूरे सरता है कि सुनते ही सुनते हैं, तो बात छुपी नहीं रहेगी, फट से बाहर आ जाएगी, नाम लेने को अभी ले दूँ, बच्चे वाली ही हैं, बच्चों वालियाँ हैं, बच्चों वालियाँ हैं, बच्चे हैं उनके सबके, इसका नहीं है प्रेजेंट, जो जिसके साथ मुंह काला करवा रहे हैं ना, इसका बच्चा नहीं है कोई, इसीलिए मुंह काला करवाती फिर रही है, शायद बच्चे वाली होती तो टिक्के अपने घर पे तो बैठी होती, लेकिन बच्चे वालियाँ भी नहीं टिकती, लेकिन इस तरह होटल में इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने नहीं जाती हैं, ये तो श्योर है। तो आप लोगों को बता दूँ कि जान जान बूझ के आवाज़ें सुनाई जा रही हैं, क्योंकि अब उसको लेके आना है सामने, उसके साथ इसने अब लिविंग में रहना शुरू करना है, तो धीरे धीरे पहले आपको आवाज़ सुनाएगा, धीरे धीरे बेशरम बंदा ना धीरे धीरे खुलेगा, फिर आपके सामने आएगा, है ना, बोल रहा है 99% मेरे व्लॉग सच्चे होते हैं, अरे जा रे सारे व्लॉग तेरे स्क्रिप्टेड होते हैं, सच्चे होते हैं तो बता ना, जब तेरी माँ तुझको दंदियाँ काटती है, जब तेरी माँ तुझको गालियाँ देती है, जब तेरी माँ तेरे को बोलती है तेरी चीज़ों से तंग होकर तुझको तेरा धनिया काटने की धमकी देती है, तो वो सारी चीज़ें सुना ना, फिर लाइव दिखा हमको, वो होती है रियल व्लॉगिंग, ये जो तू 5-7 मिनट बकवास करके चला जाता है, इट्स नॉट रियल व्लॉगिंग है, फेक व्लॉगिंग है, और सभी यूट्यूबर जो होते हैं एक तरीके से अपना प्लान करके एडिट करके व्लॉग डालते हैं, कोई भी रियल व्लॉगिंग नहीं होती, अगर रियल होती ना तो एडिट करने की ज़रूरत ना पड़ती, एडिट करने की ज़रूरत तभी पड़ती है क्योंकि पूरी रियलिटी नहीं दिखानी होती है, और तेरा तो साफ पता चलता है कमीने, एक साल से मुंह काला करवा रहा है होटलों में, तो वो तो तूने हमको लाइव दिखाया नहीं कभी, या तूने अपने ब्लॉग में कभी डिस्कस नहीं किया, हमको तो पता था तू जहाँ जाता, मैंने तो 5-6 महीने पहले जो ऑडियोज डाली थी उसमें भी बोल दिया था कि होटल में किसी के साथ जाता है, होटल में देखा है, हमारे घर वालों ने तो इसको देखा भी है होटल में किसी के साथ, और मैंने आपको एक बार बताया भी है तब, शायद आप लोगों को याद हो, मैं आपको बताती हूँ, जब इसने एक ऑडियो डाली थी ना कि किसी की वीडियो वायरल हुई थी किसी कपल की, तो ये बड़ा लग पड़ा था उस पर, क्या उसको देते हैं ज्ञान देने कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर्सनल मूवमेंट्स ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, ये लीक हो गए वो हो गया, उनको कोस रहा था। एट दैट टाइम जिस होटल में इसने वो वीडियो अपनी बनाई है, उस होटल में उस दिन 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बताती हूँ, वो भाभी भी इसके साथ थी। उस वक्त उसी वक्त मेरा ऑडियो आया था उसी इसकी वीडियो के बाद कि इस दिन ये जो वीडियो डाल रहा है, इस दिन ये जो होटल दिखा रहा है, होटल इसने दिखाया नहीं, सिर्फ एक कोने में बैठ के सारी वीडियो बना के बोल के डाल दी, उस दिन ये बंदा उसी औरत के साथ था। मैंने डाला तो आप लोगों को लगता था कि पता नहीं ऐसे ही बोल देते, अरे ऐसे ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त आने पर भी और जो मैंने आपको बताई हैं ना मेरी साबित होंगी। इसका वो जो डिसऑर्डर है ना वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, इसी चीज़ से, इसी इमोशनल सपोर्ट से रिलेटेड है इसको जो डिसऑर्डर है।
वो भी जब आपके सामने आएगा ना तो आप लोगों की आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाएंगी। और उस डिसऑर्डर को भी फिर इसकी जो 25 ये गुत्तियां भौंकती हैं ना लाइव चैनल पे, वो कहेंगी कि नहीं वो भी नॉर्मल है। जिन लोगों के लिए मुंह काला कराना होटलों में जाके नॉर्मल हो सकता है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ, बच्चे का एक का बाप है, पूरी फैमिली है, कभी भी रीयूनाइट हो सकती है फैमिली, है ना, कुछ ना कुछ तो उम्मीद है। अगर इतनी देर से पॉजिटिव पॉजिटिव करके कह रहा है कि मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, मैं भाग दौड़ कर रहा था, आर्टिकल 9 लगा रखा है फैमिली को वापस घर ले जाने के लिए, तो उसके बीच फिर ये तेरी इमोशनल सपोर्ट कहाँ से आ गई? तो इतना गंदा है कि तुझको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ गई? अगर तू तो रीयूनाइट होने के लिए ये सब कुछ कर रहा है तो फिर ये बीच में रास्ता किधर से निकल आया? ये रास्ता किधर से निकल आया? ये तो ऑलरेडी तेरी प्लानिंग थी। कोई रीयूनाइट विनाइट तू नहीं चाहता है, तू अपनी खे खाना चाहता था जो तू एक साइड पे खा रहा है, और ये तू दिखावा कर रहा था व्यूज के लिए, लोगों का वो एक इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए। इस यहाँ भी वाईटी में इमोशनल सपोर्ट चाहिए, डॉलर कमाने है ना भाई। तो वो बाप का दर्द, माँ का दर्द, पता नहीं कौन कौन सा दर्द उस वक्त दिखाता था, लेकिन अब इस फिजिकल सपोर्ट जो इसकी सामने आई है, जो किसी से ले रहा है, उसके चलते इसके सारे दर्द खत्म हो गए, क्योंकि मेन दर्द वही था, वो इसने ढूंढ लिया, इसके सारे दर्द खत्म हो गए। अब इसको भागा दौड़ी नहीं करनी, अब इसने अपना डिसीजन ले लिया है, वो हमको अच्छी तरह से पता है इसने कौन सा डिसीजन लिया है, है ना, अच्छी तरह से पता है भाई कौन सा डिसीजन लिया है। जो होते हैं ना खानदानी मैन, खानदानी मर्द, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते, तू तो ना मर्द है। और लोग समझते हैं कि मर्द वही होता है जो बच्चा पैदा कर देता है। लोग मुझे बोलते हैं तुम इसको ना मर्द बोलती हो, तो फिर वो बच्चा कहाँ से आ गया? भाई ना मर्द मतलब यही, बच्चा पैदा करना मतलब नहीं होता कि बस बच्चा पैदा कर दिया तो मर्द है। भाई मर्द मतलब, ना मर्द मतलब वो मर्द जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ना कर पाए, प्रोवाइड ना कर पाए, सही डिसीजन ना ले पाए, एक स्टैंड पे ना रह पाए, उसकी बात करती हूँ मैं। और ये उस चीज़ को लेके ये ना मर्द है। बड़ा लोगों को बस वो मुंह से बकवास करनी आती है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अरे ढेले का बंदा नहीं है, एक पैसे का बंदा नहीं है, कमाई प्रीति के जरिए कर रहा है, सब कुछ व्यूज भी इसको प्रीति के नाम से ही आते, प्रीति का नाम ना ले तो इसको व्यूज नहीं आते, उसी चीज के उसी को टोंट मार के उसी के अकॉर्डिंग टाइटल लगा के ये व्यूज लेता है। नॉर्मल व्लॉग्स पे तो इसको व्यूज भी नहीं आते, है ना। अब और चालें चलनी शुरू कर दी अपनी, वो फिजिकल सपोर्ट वाली औरत की आवाज़ सुना रहा है अब आपको, क्यों धीरे धीरे बेशर्म होना है, क्योंकि इसको पता है फ्यूचर कुछ नहीं है, ज़्यादा देर वीडियोस ऐसे नहीं चलेगी, तो अब उसको लेके आएगा, उस बंदरिया को लेके आएगा अब साथ में, फिर ये करेंगे तमाशा, दोनों बंदर और बंदरिया मिलके तमाशा करेंगे फिर, हैं, मदारी का खेल दिखाएंगे फिर, ये बंदरिया नाचेगी, ये मदारी बंदर नचाएगा, ये खुद मदारी है खुद ही बंदर है, समझे। तो ये सब ड्रामा करके भी ये बंदा क्या बोल रहा है कि कभी किसी को गलत नहीं बोला। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सदके तेरे, मुझे लगता है कि तुमको अल्जाइमर की बीमारी है, तो भूल जाता है सब कुछ करने के बाद। और माँ बहन किसी को भी शर्म नहीं है, सब बेशर्म हो गए। यहाँ से अब इन लोगों के पता चलते हैं आपको असरी, ये लोगों को बोलता है ना नकाबपोश, सबसे बड़ा नकाबपोश इनकी फैमिली में इसकी माँ है, उसके बाद ये दोनों भाई बहन। वो कैसे, माँ का नकाब तो सबके सामने खुल ही गया था, जब तक बहू थी माँ को डिप्रेशन रहता था, माँ का मुंह सूजा रहता था, माँ सुखी सड़ी हो गई थी, माँ को ये हो गया था कि हाय बहू आ गई, इसका घर बस गया, आगे बेटा हो गया, ये सब माँ तो बस मरे जा रही थी। जिस दिन बहू को घर से निकाल दिया, उस दिन माँ का नकाब उतरा है चेहरे का, माँ की हंसी कंट्रोल में नहीं आती, माँ का वजन कंट्रोल में नहीं आ रहा था, है अब भी नहीं आ रहा, और माँ का क्या उसको बोलते हैं डिप्रेशन खत्म हो गया, माँ की बीमारी खत्म हो गई, माँ तो हट्टी कट्टी हो गई, निकाब उतर गया। क्यों? क्योंकि माँ को परेशानी तो सिर्फ ये थी कि बेटे का घर क्यों बस गया। माँ को तो ऐसी चाहिए थी होटलों में फिजिकल सपोर्ट, मैं अब इमोशनल सपोर्ट नहीं बोलूंगी भाई, मैं तो सीधा बोलूंगी होटलों में फिजिकल सपोर्ट देने वाली बहू चाहिए थी माँ को। हो सकता है कि शायद नकाब हो, क्योंकि अगर मैं सोचूं, कोई भी सोचे नॉर्मल इंसान, किसी का भी बेटा या बेटी ऐसा कोई काम करते हैं जो इस बौने भिखारी ने किया है, भंकू भिखारी ने, भंकू बौने ने किया है, सॉरी भंकू बौना भिखारी, सब कुछ बी से है इसकी ज़िंदगी में ना हमारे अकॉर्डिंग। ये जो भंकू बौना है जो इसने किया है, किसी का भी बेटा या बेटी ऐसी कोई चीज़ करे तो उस चीज़ से माँ बाप को फ़कर तो नहीं होता, फ़कर तो नहीं होता। कई बार अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है हो सकता है कि माँ को परेशानी हो सकता है कि इसके कारनामे से माँ दुखी हो। लेकिन कि जैसे इसकी व्लॉगिंग है नकाब पोशी वाली व्लॉगिंग, तो वो माँ को भी थोड़ा सा नकाब चढ़ा के बोलता होगा, खर्चा नहीं चलाना घर का, तुझे पैसे नहीं चाहिए, तुझे ये नहीं चाहिए, तो मेरे व्लॉग में ऐसे आना, ऐसे एक्ट करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं,
तो फिर ये उससे एक्ट करवाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स की इतनी बदनामी करवाता है तो उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, जहाँ तक मुझे, और अगर इन्वॉल्व हैं तो बहुत ही गंदी परवरिश दे रहे हैं, बहुत ही गंदे परवरिश, गंदी परवरिश और बहुत ही गंदे संस्कार है अगर ऐसी चीज़ों में पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो। इस चीज़ को लेके मैं इसकी माँ को जज नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि ये उससे ज़बरदस्ती ही व्लॉगिंग में जो बुलवाता है बुलाता हो, अंदर से हो सकता है कि उसको भी बदनामी होती हो फील, बदनामी तो है भाई, शादीशुदा औरत के साथ मुंह काला करवाते हुए पकड़े जाना कोई बहादुरी का काम तो नहीं है। इसका मान लो, चलो इसका बोल देते हैं कि इसका डिवोर्स, इसने बोल दिया कि इसने नहीं रहना, इसने मूव ऑन अपने दिमाग में ही कर लिया है ना, क्योंकि अगर इसके एक्ट देखें है ना, दिमाग में इसने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन जो इसके एक्शन है, आर्टिकल 9 लगा रखा है वाइफ को और बच्चे को वापस लेके आना है, एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये घर बसाना चाहता है, लेकिन अपने माइंड में इसने मूव ऑन कर लिया है तो इसलिए ये मुंह काला करवाने चला गया। लेकिन जिसके साथ मुंह काला करवाया उस औरत का ना कोई डिवोर्स हो रखा है ना कुछ भी, वो तो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, वो तो फिर गलत करैक्टर की औरत हुई ना। अगर इसको आप साफ करैक्टर का बोलते हो है तो ये टॉप गंदा करैक्टर, टॉप गंदा करैक्टर है ये, टॉप गंदा करैक्टर। तो फिर एक्शन और रिएक्शन और इंटेंशंस मिलती नहीं है भाई, मिलती नहीं है। ये तो फिर सबको बुद्धू बना रहा है, ये तो अपने सब्सक्राइबर को उल्लू बना रहा है, ये तो कानून को उल्लू बना रहा है, ये अपनी फैमिली को उल्लू बना रहा है, ये तो सबको उल्लू बना रहा है। करनी इसको क्या है, अय्याशी। तो इसका बस आज मुझे यही क्लियर करना था कि जो आवाज़ है ना, इसकी फिजिकल सपोर्ट वाली की आवाज़ है, और पता नहीं फिजिकल सपोर्ट वाली कितनी निकलेंगी अभी, और जस्ट वेट एंड वॉच। और दूसरा, प्रीति की बात मुझे कौन सी अच्छी नहीं लगती, देखो लोगों को इस चीज़ के बारे में रिप्लाई करना कि बच्चे को क्यों नहीं दिखाती या उसका नाम क्यों नहीं लेती, ये वो, ये तुम्हारा डिसीजन है और गुड डिसीजन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है तुम्हारा कि तुम उसको नहीं दिखाती, उसका नाम नहीं, उसका मतलब कि उसकी लाइफ को तुमने प्राइवेट रखा है। लेकिन जो मुझे तुम्हारी चीज़ गलत लगती है ना, वो ये कि उसको चीज़, उसको कुछ भी कुछ मत बोलो, जब बात करनी है सीधा बोलो कि मेरा बच्चा, हाँ भाई मेरे बच्चे के साथ मुझे बहुत काम है, मेरे बच्चे के साथ मैंने ये करना है, अपने बच्चे के लिए मैंने ये खरीदा, और जैसे कि उसने छोटी सी बैंडेज लगाई तुम्हारे, तुम बोल सकती हो कि हाँ भाई मेरे बेबी ने मेरे बैंडेज लगाई, क्यों भाई वो तुम्हारा है, तुम्हारा पूरा पूरा 100% तुम्हारा हक उस पर है कि तुम उसका नाम ले सको, अपना प्यार से उसका बात कर सको, उसकी व्लॉग में दिखाना नहीं है अनदर थिंग, पर्सनल है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे बड़ों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती है ना सोशल मीडिया पे, बच्चों की ज़िंदगी पे भी बहुत असर पड़ता है। जो दिखाते हैं उनको तुम देखो, जो भी हैं, चाहे कोई सेलिब्रिटीज़ हैं या नॉर्मल व्लॉगर अपने बच्चों को ऐसे दिखाते हैं, तो तुम देखो उनके जो लोग हेटर हैं ना, वो हेट बड़ों को क्या, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, हेट कमेंट करने से, गलत बुलत बोलने से नहीं परहेज करते हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए तो जो तुम उसको एनवायरमेंट दे रही हो ना, बेस्ट है, ज़रूरत नहीं व्लॉग में लेने की। लेकिन जो मेरे दिल को बात दुखती है, जो मेरे दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो ये कि तुम उसका नाम भी नहीं लेती, नाम मतलब, लेकिन ये तो बोल ही सकती हो ना कि मेरा बच्चा, कि मेरा ये काम करना अभी मेरे बच्चे के साथ मुश्किल नहीं है, मुझे अपने बच्चे के साथ अभी ये सब एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, मैं अपने बच्चे के को लेके ये सब काम कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती हूँ, इस तरह से तो तुम बात कर सकती हो। सॉरी, ये तो तुम्हारा हक है, रेदर देन कि उसको ये बोलना कि चीज़ उसने किया इसने किया, नहीं, मेरा बच्चा, बस उसका नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा बच्चा, बात ख़त्म, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे के लिए मैंने ये लिया, मेरे बच्चे को मैंने ऐसा, अभी ये उसने किया, मी इसको लाए, कुछ भी है तो मेरा बच्चा करके बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा है। ये बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि इसको ऐसा कहना चाहिए। और दूसरी बात, एक भंकू की बात मेरे को बड़ी खलती है, भाई भग्गू पहले तो बड़ा हर हेयरिंग के बाद बड़ा सुनाता था, हेयरिंग पे जा रहा हूँ, हेयरिंग से आ रहा हूँ, विक्ट्री साइन बनते थे, अभी कुछ 2-3 हेयरिंग से तेरे विक्ट्री साइन नहीं बन रहे, क्या बात है, ये तो बताना जरा मुझे, दाल में कुछ काला है या फिर सारी दाल ही काली है। तो यहाँ पे जो मुझे खबर मिली है ना, मुझे खबर ये मिली है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि जो इसने बड़ा लोगों को भ्रम में डाल रखा था ना कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, अरे ये कुछ नहीं करता, ये जो इसकी आपको भाग दौड़ गाड़ियों में उस वक्त दिखाई देती थी ना कि हेयरिंग के लिए जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये भाग दौड़ उस वक्त भी इसकी उस फिजिकल सपोर्ट के साथ होटलों में रहने की होती थी, हेयरिंग वेयरिंग की कुछ नहीं होती। मैक्सिमम हेयरिंग तुम लोगों को भी पता है कि जब ऐसे केसेज होते हैं तो उसमें क्या क्या होना होता है। इसमें भी ये विक्ट्री विक्ट्री किसी के हाथ में नहीं है,
ये मैच्योर डिसीजन होता है, इसने आर्टिकल 9 लगा रखा है, तब अपनी फैमिली को वापस लेके जाए। कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा ठीक है, लड़की वापस जाना चाहती है तो लेके जा भाई अपनी फैमिली को, तू भी लेके जाना चाहता है, तूने अप्लाई किया है कि मुझे वापस लेके जाना है, तो वो जाना चाहती है तो फिर लेके जा। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अब ये थोड़ी करेगा तलाक तलाक तलाक, भाई उस तलाक कैसे दे दे कोर्ट, किसी ने अप्लाई नहीं किया, कोई भी नहीं डिमांड कर रहा तलाक की, ना प्रीति कर रही है ना ये कर रहा है। तो तुम लोग सारा पता नहीं किस उसमें खुश हो रहे हो, डिवोर्स हो जाएगा डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स की बात ही कहां से आ गई। प्रीति ने तो अपनी वीडियोस में बड़ी बार क्लियर किया है कि डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि डिवोर्स किसी ने नहीं मांगा, ना उसने ना मैंने, किसी ने डिवोर्स नहीं मांगा, तो फिर डिवोर्स होगा कहां से, किसको पागल बना रहा है। और ये अपनी होटल वाली फिजिकल सपोर्ट को FUDDU बना रहा है, फुद्दू बना रहा है भाई तू उसको, और वो तुझको बना रही है। चाहिए क्या दोनों को आपस में से? फिजिकल सपोर्ट बस, इमोशनल सपोर्ट वोट कोई एग्जिस्ट नहीं करती भाई, ये फिजिकल सपोर्ट के लिए पागल हुआ पड़ा है और उसी को लेके मूव ऑन। मैं मूव ऑन हो गया भाई, तेरे कहने से मूव ऑन होगा, तो लटकते रहो ऐसे ही कोर्ट में। फिर प्रीति को कौन सा कोई दूसरी शादी करनी है, उसको क्या जरूरत है डिवोर्स लेने की भाई, उसको ले जाओ वापस, वो तो चाहती है। मुझे पहले अजीब लगता था लेकिन मैं तो अब भी प्रीति, अब तो मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करूंगी कि भाई तू वापस जाना चाहती है तो डटी रहे अपनी चीज़ पे, ठीक है चांस ले, बच्चे के साथ जा एक बार वापस, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वापस जाओ, कोर्ट से अपनी सिक्योरिटी मांगो, जैसे तुम लोगों ने अपने घर में CCTV कैमरे लगवाए इसके घर में भी लगवाओ, ताकि पता चले तुम्हारे साथ ये कैसा बिहेव करते हैं, क्या होता है सब कुछ, है ना। अपनी सिक्योरिटी मांगो, जैसे कि मैं पहले कहती हूँ, जाओ अगर वापस जाना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो जाओ, लेकिन अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ। बिल्कुल, जो लोगों को ये लगता है ना किसके हस्बैंड की आप ये बातें बताते हो तो ये इकट्ठे कैसे होंगे, भाई ये बातें उसको पता है ऑलरेडी, सब पता है। अगर जिस लड़की औरत के साथ ये मुंह काला करवाते पकड़ा गया है, वो सब कुछ जानने के बाद भी प्रीति जाना चाहती है, तो फिर हमारी इन बातों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सच बता रहे हैं, बताते रहेंगे, और इसका वो डिसीजन भी हम क्या उसको बोलते हैं सपोर्ट करेंगे अगर जाना चाहती है। लेकिन आई ऑलवेज से विद सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी के साथ, बिना सिक्योरिटी के नहीं जाना, क्योंकि जैसे ये नकाबपोश लोग हैं समाज के सामने घंटी बजा बजा के अपने आप को बड़ा रिलीजियस बताते हैं, हम ऊपर वाले को मानने वाले, और अंदर से जितने काले और जितने काले कारनामे इनके बाहर आ रहे, भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कल को तुम्हें तंग करे, मारे पीटे, बच्चे को टॉर्चर करे, कुछ भी कर सकते हैं, और तूने तूने तो अपने बच्चे को फूलों की तरह पाला है, इनका क्या भरोसा, तुझको तंग करने के लिए तेरे बच्चे को तंग कर सकते हैं, तो इसलिए पूरी सिक्योरिटी के साथ वापस जाना, समझी, ये मेरी एडवाइस है तुझको प्रीति। तो अगर आगे लगा तो जल्दी ऑडियो डालनी पड़ी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर वीकेंड को तो आएगी आएगी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, बाय बाय। और एट द एंड सभी प्यारे प्यारे कमेंट्स करने वाले को, उनमें से कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगी जो हमेशा हमेशा मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनमें से एक है होप फॉर एवर दिनाज पूना वाला, और एक है स्वाति नेगी, एक है हमीदा, और एक और थे आई थिंक, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जगजीत, एक जगजीत थी, एक सिंपल थिंग्स, ये सब हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। व्लॉग ना आए तब पूछते हैं कि क्यों नहीं आई ऑडियो, सॉरी ऑडियो क्यों नहीं आई ऑडियो, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। और एक है सीमा शर्मा, वो भी हमेशा कमेंट करती हैं, और एक और थी ए जी करके उनकी आईडी, कोई नाम नहीं है आई थिंक ए जी, और कुछ स्पेशल लेटर्स हैं, पॉपकॉर्न है एक, ममता देवी हैं एक, जो हमेशा मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं और प्रीति को सपोर्ट करती हैं, और एक आईडी है SSSSSS करके ऐसे, और एक गौरी है 4980 आईडी का नाम। सभी ये हमेशा शुरू से जब से मैं डालती हूँ ना ऑडियो, तब से क्या उसको बोलते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्रीति को सपोर्ट करते हैं। एक आईडी है माई रिप्लाई 1244, वो भी हमेशा अच्छे कमेंट करते हैं। तो ये सब लोग हैं जो काफ़ी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मुझे देखा भी नहीं है तब भी मेरी बातों पे यकीन करते हैं, और हमेशा अब इस सिचुएशन में मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि आपने सही में ये बातें बहुत देर पहले अपने ऑडियोज़ में बता दी थी कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब उनको पता चला कि मैंने शुरू से कहा है कि मैं हवा में बातें नहीं करती, मैं आपको प्रूफ कोई नहीं दूंगी, प्रूफ आपको खुद ब खुद मिलेंगे, और बाकी भी बहुत सारी बातें हैं उनके भी प्रूफ ऐसे ही आप लोगों को खुद ब खुद मिलते रहेंगे। इसका वो डिसऑर्डर है ना, वो भी जल्दी आने वाला है, खुद आप लोगों के सामने वो साबित होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, बाय बाय।